नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। आपको एक यूनिक आइडिया से बताऊंगी, ये आपको बटन बनाना, ये देखिए ये बटन बनाना बहुत इजी है और देखने में सुंदर लगते हैं। आप इसे कुर्ती में लगा सकते हैं, ब्लाउज में लगा सकते हैं, फ्रॉक में आप इसको लगा सकते हैं। ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड, ये देखिए। तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर भी बीट्स लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बनाना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसके लिए हमारे को ये चार पेन चाहिए। मोती आप कोई भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर या कोई भी आप जो है इसमें मोती लगा सकते हैं। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इस पर टेप लगाएंगे। और इसको कट कर देंगे। अब आप धागा लेंगे, कोई भी ऊन आप लेंगे, उसको इस तरीके से रैप करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और इसको पीछे कर देंगे, 6 7 8 9 10 11 पीछे करेंगे इसको। ट्वेंटी बार मैंने इसको रैप किया है, आप अपने हिसाब से आप इसको कर भी कम ज़्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। इसको इस तरीके से करने के बाद ये देखिए ऐसे रखेंगे, बड़ी निडल लेंगे, उसमें डबल धागा डालेंगे और इसको हम कोई भी साइड से, आप इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी इसको हम ऐसे करेंगे। डबल धागा लिया है, इसको हम बीच में से निकालेंगे ऐसे। अब ये जो हमारी दो पेन, इस ये देखिए चार ली हैं, इसके बीच वाला जो ये सेंटर वाला है, इस धागे को हम इस साइड में कर देंगे, दोनों साइड इक्वल रहे, ये ऐसे कर। और अब धागे को हम खींच देंगे, ये देखिए ऐसे टाइट धागे को खींच देंगे। यहाँ से थोड़ा हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे ताकि ये यहाँ पर लूज़ हो जाता है, ये देखिए लूज़ हो गया ऐसे कर। तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर देंगे और फिर हम इसको फिर से करेंगे। इसको छोड़ देंगे, अब हम इसे दोनों को खींचेंगे तो ये दोनों टाइट हो जाएंगे, ये देखिए। फिर ऐसे ही दो तीन बार हम इसको ऐसे ही करेंगे ताकि ये टाइट हो जाए, ये देखिए। बड़ा मोती लेंगे, इस मोती को हम बीच में इस तरीके से फिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और इसको ऐसे, आप इसमें गोल मोती जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे से लेंगे ये ऐसे। फिर ऐसे ही जैसे हम बटन लगाते हैं सेम ऐसे ही इसको हमने फिक्स करना है। तब तक ये पक्का ना हो आप दो तीन स्टिच जो है इसमें और लगा लें, ये देखिए। ऐसे करने के बाद अब इसको जो है हम कोई भी साइड में, आप यहाँ से भी या यहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपको सही लगे, आप जो है उसको उस तरीके से आप इसको घुमाएंगे और इस नीडल को हम इस तरफ लेकर जाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम ये एक मोती लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे, ये देखिए ऐसे। और एक टाका लगाएंगे ऊन को लेते हुए, ये देखिए ऐसे लेंगे। फिर एक और मोती लेंगे ये देखिए ऐसे, और फिर आगे की तरफ फिर हम इसको बढ़ा देंगे, ये देखिए ऐसे।
फिर यहाँ से लेंगे और एक इसको फिर बढ़ा देंगे, ये देखिए। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे लिया। अब हमने क्या करना है, ये सारे जो मोती जो है, ये जो है पहले एक टाका हम इसको इस तरीके से लगा देंगे, ये यहाँ पर इसको ऐसे फिक्स कर देंगे जैसे। अब ये देखिए ये जो मोती है इसको वापस ऐसे लेंगे, फिर ये जो ये वाले को लेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर इसमें से लेंगे और फिर इसमें से, ये देखिए अब यहाँ से ये जो है इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे हमने इसको इक्वल कर देना है, फिर इसको पकड़ कर रखेंगे। यहाँ से हम एक टाका ये ऐसे ले लेंगे ताकि ये लूज ना हो। ये देखिए इसको ऐसे, आप चाहें तो इसको फिर से आप जो है ऐसे ही दोबारा इसको वहाँ पर लेकर जा सकते हैं नीडल को, अगर आप और पक्का करना चाहते हैं तो ये ऐसे, ये देखिए ऐसे फिर वापस लेकर आएंगे, नीचे से ले लें, ये देखिए ऐसे, और इसके अंदर ऐसे फिर से आप ले सकते हैं। तो ऐसे आप दो तीन बार इसको कर कर जो है आप इसको पक्का कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। और अब यहाँ पर एक नॉट लगा कर इसे हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ये देखिए ऐसे, अब इस नीडल को हम बीच में से लेकर जाएंगे यहाँ पर और एक साइड में जो है देखिए यहाँ लगाने के लिए भी ऐसे ही हम मोती को लेंगे। आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने सिंगल कर कर लिया, आप सिंगल भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये देखिए इसको कैसे लेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारे चार मोती लगे हैं, तो ऐसे ही हमने चार मोती जो है हमने यहाँ पर भी लगाने हैं इसमें, ये देखिए ये ऐसे लेंगे, ये देखिए, और इसको हम इस तरीके से ऐसे ले लेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर इसको हम ऊन के अंदर से ही लेकर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ही लेकर आना ये वापस, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे लेने के बाद अब हमने जो है ये वाले जो इनके होल हैं इनके बीच में से ही लेना है, ताकि हमारे मोती जो हैं एक तो ये हिले नहीं, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे, और अब हम इसको खींचेंगे, हल्का सा खींचेंगे ये ऐसे कर कर, ये देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये वाले मोती थोड़े यहाँ से ये देखिए उठे हुए आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर ये मोती बिल्कुल फिक्स हैं। तो आप इसमें जो है इस तरीके से लगा कर और बीच में जो है ये देखिए यहाँ पर बीच में लेंगे ये ऐसे, और यहाँ पर आप एक टाका इस तरीके से लगा सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से भी आप जो है लगा सकते हैं, आपको इजी लगे ये देखिए ये ऐसे कर कर भी आप इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक दो टाका और लगाकर इसे हम फिक्स कर देंगे, ये देखिए ऐसे, इसको हम कट कर लेंगे और इस धागे को भी कट कर लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये देखिए ये बटन हमारा ऐसे बनेगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है फ्रेंड्स, और बनाना भी इजी है, बहुत ही धीरे धीरे मैंने आपको इसमें बताया है, ये देखिए। और ये वाला जो धागा है इसको हम देखिए इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर कर, ये देखिए अब इसको जो है ऐसे नॉट बना देंगे एक, और इस वाले मोती के बीच में कर दें, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम खींच देंगे थोड़ा सा, ये देखिए, और इसको भी कट कर देंगे, ये देखिए। तो ये हमारा जो है ये देखिए ये बटन हमारा बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए, ये देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।